दोस्तों, किसान भाइयों, मीना खेतीबाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे हल्दी की खेती के बारे में। हल्दी की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो किसान भाइयों, हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है जिसका उपयोग औषधि से लेकर अनेक कार्यों में किया जाता है। इसके गुणों का जितना भी बखान किया जाए वो भी कम है। तो दोस्तों, ये फसल गुणों से परिपूर्ण है। इसकी खेती आसानी से की जा सकती है और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कम लागत तकनीकी को अपना कर इसे आमदनी का एक अच्छा साधन बनाया जा सकता है। यदि किसान भाई इसकी खेती ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतनी खेती तो करें कि उनका प्रतिदिन की हल्दी की मांग को पूरा किया जा सके। निम्नलिखित उपायों के द्वारा आप हल्दी की खेती कर सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और हमारा वीडियो पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मीणा खेतीबाड़ी चैनल आपको एक से एक वीडियो बताता रहेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइबर ज़रूर करें और आगे वीडियो देखता रहें। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। हल्दी की खेती के लिए बलुई दोमट या मोटी आर्द्र दोमट मृदा अच्छी होती है और जल निकासी की जगह भी होनी चाहिए। हल्दी की खेती है तो भूमि की अच्छी तरह तैयारी करनी आवश्यक है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है, जिसमें ज़मीन की अच्छी तरह भुरभुरी बनाया जा सकना आवश्यक है। मोल्ड बोल्ड प्लाव कम से कम 1 फीट गहरी जुताई करनी चाहिए और इसकी अच्छी तरह 3-4 बार कल्टीवेटर चलाकर पाटा चलाकर ज़मीन को समतल कर ले। बड़े ढेलों को छोटा कर लेना चाहिए और दोस्तों, इसके अंदर खाद गोबर खाद डालनी चाहिए और लगाने से पहले गोबर का सड़ी हुई गोबर खाद डालो और उसमें अच्छी तरह से एक लेवल पे कर लो। ज़मीन अच्छी तरह से भुरभुरी बन जाएगी तो सभी रासायनिक उर्वरक दी जाएगी और उसका समुचित उपयोग हो सकेगा। इसके बाद 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 80 किलोग्राम सुपर, 80 से 100 किलोग्राम हेक्टर के मान से पोटास का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी की खेती हेतु पोटास का बहुत महत्व है। जो किसान भाई इसका प्रयोग नहीं करते, हल्दी की खेती गुणवत्ता और उपज दोनों ही प्रभावित होती है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्र सुपर पोटास की पूरी मात्र बोनी के समय दी जानी चाहिए और नाइट्रोजन की बची मात्र को 2 भागों में बांटकर पहली मात्र बुआई से 40 से 60 दिनों के बाद और दूसरी 80 से 100 दिनों के बाद देनी चाहिए। हल्दी की सफल खेती के लिए उचित फसल का चक्रवार अपनाना अति आवश्यक है। इसके बाद कब से ध्यान रखना चाहिए, हल्दी की खेती लगातार उसी ज़मीन पर न करें क्योंकि ये फसल ज़मीन से ज़्यादा पोषक तत्व खींचती है, जिससे दूसरे साल में उसी ज़मीन में उसकी खेती नहीं करें ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी विकसित किस्में हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मसाले वाली किस्में पूना, सोनिया, रोमा, सुरोमा, गौतम, कृष्णा, गंटूर, मेगा आदि। तो आप इसको आपकी ज़मीन के हिसाब से चुनाव कर लेवे तो फिर अपना बीज तैयार किया जा सकता है। बुआई बुआई कौन से महीने में करते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त सुविधा है वे अप्रैल से के दूसरे पखवाड़े अप्रैल मई में भी कर सकते हैं और जो किसान भाइयों के पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं ताकि बारिश का पानी लग सके। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि फसल गर्मी में बुआई जाती है तो वर्षा नहीं हो रही है तो 4-5 बार की सिंचाई आवश्यक पड़ती है। मानसून आने के बाद सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बीच में वर्षा नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है। अक्टूबर के बाद यदि बारिश नहीं हो पाती तो परिस्थिति में 20-25 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना आवश्यक है। खरपतवार हल्दी की अच्छी फसल के लिए 2-3 बार इसकी खरपतवार करना ज़रूरी है, जिसको हम गुड़ाई बोल देते हैं, और दूसरी गुड़ाई 80-90 दिनों के बाद ज़रूरी है।
तो दोस्तों इसमें कीटनाशक लगता है, उसके नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई छिड़कनी चाहिए? आमतौर पर हल्दी में कीटों की कोई ज़्यादा समस्या नहीं देखी गई है, कहीं कहीं पर बेदक तथा रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या आती है। तना बेदक के लिए फॉरेस्ट थीमेट में से दो को एक दवा का इस्तेमाल करें। कटाई कौन से महीने में करते हैं? तो दोस्तों जैसे इसको मई जून में बोया गया है तो ये फरवरी माह तक खोदने लायक हो जाती है, और जब ये खोदने लायक हो जाती है तो इसका पत्ता पीला पड़कर सूखने लगता है, तो समझ जाना कि ये हल्दी पक चुकी है। अब इसकी कटाई या खुदाई की जा सकती है। पहले पौधे को दराती से हंसी से काट देना चाहिए तथा बाद में उसमें हल चलाकर जुताई कराकर हल्दी के कंदों को आसानी से निकाला जा सकता है। जहाँ पर भी जब समझी जाए कुदाली का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपचार, हल्दी को खोदते समय पूरी तौर से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कंदों को कम हानि हो सके, समूची गांठ निकाली जा सके। गांठ को पहले छोटा छोटा कर लिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर इसको उबाला जाता है। उबालते समय थोड़ा गोबर या फिर हल्दी की पत्तियों को ही पानी के साथ डालकर उबाला जाता है। ऐसा करने से रंग कुछ गहरा हो जाता है तथा हल्दी की गुणवत्ता बढ़ जाती है, इसे बाज़ार में भाव अच्छा मिलता है। लगभग 3-4 घंटे पकने के बाद गांठे अंगुलियों के बीच दबाने पर आसानी से दब जाती है, तो कुढ़ाओं से निकाल कर सूखने के लिए धूप में रखा जाता है जिससे गांठे अच्छी तरह से सूख जावे। यानी 15-20 दिन तक हमने रोज़ धूप में उसको उबालने के बाद सुखाना है। सुखाने के बाद जब इसकी गांठ अच्छी तरह सूख जाती है उसके बाद किसी खुरदरी चीज़ से गांठों को रगड़ कर साफ कर ले। वो साफ तो ऐसे हो जाती है, 15-20 दिन में बड़े पैमाने पर यह कार्य मशीन से किया जाता है। इस तरह की हल्दी की गांठें तैयार हो जाती है और हम फिर इसको मसाने वाली चक्की से पिसा भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइबर ज़रूर करें। सब्सक्राइबर करने से हम जो भी आपको सब्जियों की वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले आएगी। थैंक यू।